तो आज हम बात करेंगे इंटेंसिफायर के बारे में। आप देख सकते हैं इंटेंसिफायर दिख रहा है और इसका काम क्या होता है और इसमें गैस कैसे इनलेट होती है और कैसे डिस्चार्ज होती है, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। एक वीडियो भी दिखाएंगे उसके क्लिप में, उस पर आप अंदरूनी इसका चीज़ का देख सकते हैं भाग का। और आप एक बार पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए, ये फिल्टर से लगाई और इंटेंसिफायर तक और उसके डिस्चार्ज होने के ट्यूब तक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। देखिए पिछली वीडियो में मैं आपको इंटेंसिफायर के बारे में बताया था, आप वीडियो देख लेना, उसको मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में। आपको बताया था कि ये फिल्टर से छन के होते हुए गैस जो है ऐसे आती है और ये देखिए फर्स्ट प्रेशर बनाती है। पहले ये यहाँ से निकली, ये फर्स्ट प्रेशर के लिए चली गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेशर देखिए, ये पहले ऊपर एक ट्यूब गई है और यही ट्यूब नीचे को गई है, ठीक है। देख लीजिए ये ट्यूब जो है यहाँ से ऐसे गई और ये ट्यूब ऊपर गई है और यही ट्यूब जो है ये नीचे को गई है। देखिए ये वाली ये ऐसे नीचे हो गई है, यानी कि फर्स्ट प्रेशर जो है इसमें और ये बीच वाला पोर्शन छोड़ के इसमें फर्स्ट प्रेशर बनता है, ठीक है। यानी कि गैस इसमें इनलेट होती है। दोस्तों ये रहा इसके पीछे का भाग, जैसा कि हमने बताया था कि वहाँ से ऐसे आ रहा है उस साइड से और यही साइड से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। आपको मैं एक वीडियो क्लिप इसमें चला रहा हूँ, उसमें आपको आसानी रहेगा समझने के लिए, और इसके बाद फिर मैं वीडियो क्लिप के बाद फिर और विस्तार से आपको बताऊँगा, ठीक है। आप बस इतना देख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको इंटेंसिफायर को, और उसके बाद देखिए चूँकि ये सेकंड प्रेशर का है, ये वाला हो गया फर्स्ट प्रेशर, ये नीचे से और ये वाला, ये फर्स्ट प्रेशर हो गया और ये सेकंड प्रेशर का, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक और यही जो है इस साइड से देखिए, ठीक है। इसके बारे में अभी और डिटेल से बताऊँगा, पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। तो दोस्तों आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि इंटेंसिफायर का मेन प्रिंसिपल क्या है। देखिए अब इसके अंदरूनी भाग को देखिए, देखिए कैसे जो है हाइड्रोलिक ऊपर नीचे हो रहा है और गैस जो है इनलेट होकर डिस्चार्ज भी हो रहा है। और एक बात और, ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ना जो फुहारे की तरह, वो मेन बात है कि ये ऑयल होता है, ठीक है। इसको आप गैस मत समझना, ये ऑयल होता है और ऑयल से ही ये पिस्टन चलते हैं, क्योंकि और देखिए कैसे ये गैस जो है इधर से इनलेट हो रहा है और आउटलेट होता है, यानी कि डिस्चार्ज होता है। देखिए तो ध्यान से देख लीजिए पहले आप, देखिए इधर से गैस इनलेट हुआ और जब वहाँ ज़ोर से जब उसने दबाया पिस्टन तो कंप्रेस होके गैस डिस्चार्ज हुआ। मैं इसके बारे में और बताऊंगा अभी, पहले आप ये एनिमेशन के थ्रू थोड़ा समझ लीजिए। क्लिप को देख लिया दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। सक्शन से गया गैस, उस क्लिप में दिखाया था कि ऊपर एक प्रेशर बन रहा है और एक नीचे प्रेशर बन रहा है, ठीक है। दो ट्यूब मतलब जा रही है, तो ये फर्स्ट प्रेशर गया, ठीक है, और उस साइड से डिस्चार्ज हो गया और डिस्चार्ज होके ये वाली ट्यूब से, देखिए ये वाली ट्यूब से ये आ गया, ठीक है। आके इसमें गोल गोल घूम के कॉइल में, एक कॉइल होता है, आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, आपको मैं बता दूंगा पिछली वीडियो का ये लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा कि गैस कैसे कैसे मूविंग कर रहा है उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है निकल के ऐसे और ये लगा NRV यहाँ से जाते हुए और यहाँ से आके चला गया फ्लोमीटर में। उसकी पूरी भी वीडियो बना रखा हूँ, उस क्लिप को मैं डाल दूंगा, मतलब उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा। अब देखिए सेकंड प्रेशर के लिए यहाँ पे गया और यहाँ पे ये बना है, देखिए ये गया ये सेकंड प्रेशर और उसी तरह वहाँ से डिस्चार्ज हुआ और फिर वहाँ से निकल के ऐसे आया। और वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सिलेंडर में कैसे मूविंग हो रहा है इंटेंसिफायर के अंदर, जिससे में प्रेशर बन रहा है, ठीक है। और जो मैं ऑयल दिखा रहा था, तो देखिए ये ऑयल पंप का ये देखिए ये होस पाइप, एक होस पाइप ये यहाँ पे आया है इसके अंदर लगा है और दूसरा होस पाइप ये आके यहाँ पे लगा है, यानी कि बीच में ही ये दोनों के लगा है, ठीक है। होस पाइप जो ऑयल उठाता है और इनलेट आउट ऑयल का काम होता है।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो, सोच रहे होंगे कि ये साला ये मोटा है और ये भी मोटा है और ये पतला है, ऐसा क्यों? तो देखिए, फर्स्ट प्रेशर जो है ना, फर्स्ट प्रेशर में मतलब वो फर्स्ट प्रेशर जब बनाता है तो फर्स्ट प्रेशर बना लिया, सेकंड प्रेशर में क्या होता है उसको और तेज तीव्रता करने के लिए, यानी कि उसके संपीड़ित और तीव्र से गति से उसको प्रेशर करने के लिए ये बीच में पतला रहता है, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण और प्रेशर से गैस को डिस्चार्ज करे, ठीक है। तो यही पर्पस है और यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और दोस्तों, मैं ज़्यादातर ऐसे लाइव वीडियो ही बनाता हूँ क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगा। अगर कॉपी कलम पे बनाऊँगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा उतना, और वो एनिमेशन वीडियो डालने का मेरा मकसद ही था कि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो मैं वैसे ही डाउनलोड करके उसको डाल दिया हूँ कि समझने के लिए ही डाला हूँ, बाकी आप देख लीजिए। एक और सवाल आपके दिमाग में होगा कि ये तो एक ही इंटेंसीफायर है, किसी किसी बूस्टर में हमने दो दो इंटेंसीफायर देखे हैं, तो ऐसा कैसे? तो दो दो इंटेंसीफायर भी होता है, उसका भी वीडियो में एक डाल देता हूँ छोटा सा क्लिप, क्योंकि वो एंड्योरेंस कंपनी का बूस्टर है, एंड्योरेंस का बूस्टर है, और ये जो है IIL का बूस्टर है, इसलिए इसमें एक ही इंटेंसीफायर काम कर रहा है। वो दो इंटेंसीफायर उसमें लगा रहता है, छोटा छोटा, एक छोटा रहेगा, एक जैसे इतना बड़ा रहेगा और एक छोटा सा रहेगा, ठीक है। तो वो भी वही काम करेगा, वो भी 450 SCMH का ही है, चाहे 600 SCMH का भी हो, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो लिंक में डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए। लिंक क्या मतलब, आपके इसी वीडियो में डाल देता हूँ, देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये रहा फ़िल्टर, जैसे कि उसमें भी था लगा हुआ फ़िल्टर, और ये रहा इंटेंसीफायर, देखिए पोल के पीछे है ये सफ़ेद वाले पोल के, देखिए ये रहा एक इंटेंसीफायर और एक इंटेंसीफायर जस्ट के बगल में है, ठीक है। मतलब दोनों का पर्पस एक ही है, बशर्ते इसका जो थोड़ा अलग तरह से इसको मॉडिफिकेशन किया गया है, दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। और हर मशीनों में कुछ अलग अलग डिफरेंस रहता है, लेकिन काम सबका एक ही रहता है, ठीक है। और देख लिया आप, बढ़िया से इसको देख लीजिए। और इंटेंसीफायर को ऐसा मतलब बनाया जाता है ना कि उसमें ऑयल और गैस दोनों मिक्स नहीं होता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा, ऑयल और गैस दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर मिक्स होने लगा तो सोच लीजिए कि इंटेंसीफायर ख़राब, ठीक है। इतना देख, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह से वीडियो आपको बना के देते रहूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर किसी को भेजना तो शेयर भी कर दीजिएगा, और क्या ही बताऊँ, बाय बाय, ठीक है।